Assalamu alaikum everyone, welcome back to XML tutorials. And in today's class I'm going to discuss about XML and style sheets and how can we work together in XML via style sheets. Basically, style sheets we use for formatting our documents. In HTML we are using CSS for formatting the HTML document. Likewise, we can use CSS for formatting our XML documents as well. But another thing, that is XSL, is also used for formatting XML documents. Basically, we use CSS for formatting HTML and we use XSL for formatting XML documents. Okay, so this is a criteria that we are following, but we can use CSS with XML documents as well. Okay, there are some limitations, but we can use CSS with XML documents. So let's see and check with example how can we use XML and CSS together. I have this XML file with me with the name students.xml, and notice here I have added a new code. It's very similar to HTML, just like we have linked our CSS inside our HTML document. It is same, but because this is XML, so hum log isko is tarike se likh rahe hote hain. XML dash style sheet and then href hyperlink reference and then the name of your style sheet. जो भी आपकी CSS है वो आप यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद उसकी टाइप स्पेसिफाई कर दी है कि ये CSS का डॉक्यूमेंट है. That's it. अब मेरे पास इस XML फाइल में क्या है, एक रूट टैग है और उसके बाद नेम का टैग है, जेंडर का टैग है और क्लास का टैग है. सही है, एज के अंदर भी आप यहाँ पे कुछ दे दें, 8 या फिर जो भी आप एज दे दें. खैर, अब मैं चाहता हूँ कि ये जब ब्राउजर पे दिखे तो फॉर्मेटेड मैनर में दिखे, तो उसके लिए मैंने CSS लगाई है. और CSS में क्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. बेसिकली CSS में चार सिलेक्टर होते हैं, लेकिन XML के अंदर हम लोग इस सिलेक्टर को नहीं देख रहे होते, नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, तो ये सिलेक्टर और टैग सिलेक्टर, ये तीनों जो हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं. व्हाट इज अ टैग सिलेक्टर? अ टैग सिलेक्टर इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द टैग्स. ओके, जिस तरह HTML में आप P के टैग के ऊपर डायरेक्टली स्टाइलिंग लगा रहे होते हो, H के टैग के H1 के टैग पे डायरेक्टली स्टाइलिंग लगा रहे होते हो, फिर जब जब आप P का टैग इस्तेमाल करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग लग रही होती है. ठीक है, और इससे आपकी कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है. अगर आप CSS ना लगाएं तो क्या होगा, अगर आपने 50 P के टैग लगाए हुए हैं अपने XML डॉक्यूमेंट के अंदर तो 50 दफा स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप CSS में वन टाइम P के टैग पे स्टाइलिंग लगा दें तो वो ऑटोमेटिकली 50 के 50 P के टैग्स पे अप्लाई हो जाती है. सही है, और जब चेंजेस भी करनी होगी तो वन टाइम CSS में चेंजेस करनी होगी और 50 जगह ऑटोमेटिकली स्टाइल अपडेट हो जाएगा, वरना आपको 50 दफा मैनुअली करना पड़ता है उसको. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ CSS, इट प्रोवाइड्स फॉर्मेटिंग. सो दिस इज माय टैग सिलेक्टर, और लिखने का तरीका यह है कि पहले आप सिलेक्टर का नाम देते हैं जो भी आपका टैग है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, देन द प्रॉपर्टी मतलब जो स्टाइलिंग आप अप्लाई करना चाहते हो और आगे उसकी वैल्यू. तो यहाँ कलर की CSS लगाई हुई है मैंने, कलर 4 कलर है ये, तो आप कलर जो है वो कलर के नाम से भी दे सकते हैं, या हेक्साडेसिमल कोड से भी दे सकते हैं, और या फिर आप RGB फॉर्मेट में भी दे सकते हैं. हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पे मेंशनड है, कलर का नाम ऐसे लिख सकते हो या फिर RGB फॉर्मेट में भी दे सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन, कि भाई 56 होगी वैल्यू, 67 इसकी होगी और 89 इसकी होगी. दीज रेंजेस आर फ्रॉम 0 to 255, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप. मतलब आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर जो दे सकते हो वो 255 है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते. If I provide here 255, 255 and 255, it gives me what? White color. Okay, that's the maximum. And if I write here 0, 0 and 0, it gives me black. And then the variations begins, 255 into 255 into 255. तो इन सब को जब आप जो है वो निकालोगे combinations, तो फिर इतने ज़्यादा combination बनेंगे, 256 into 256 into 256, 255, सॉरी. क्लियर है ये बात सब लोगों को? 0 टू 255 मींस 256 बेसिकली. खैर, तो दिस इज योर टैग सिलेक्टर एंड आई हैव अप्लाइड दिस कलर इनसाइड. ओके, तो कलर को मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड, सेव कर लें इसको. दूसरी चीज़, आपके पास यहाँ आईडी सिलेक्टर है, आप अपने टैग्स को जो है वो नाम देते हैं. मैंने दे दिया आईडी इक्वल टू NME, दिस इज द यूनिक नेम फॉर दिस टैग NME. तो यहाँ पर मैं जो है वो NME के नाम से बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया मैंने. और इसी तरह से यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया हुआ है, यूनिवर्सल मींस थ्रू आउट द XML डॉक्यूमेंट दिस फॉर्मेटिंग विल बी अप्लाइड.
ओके सो लेट्स चेक कि क्या होता है. गो टू XML एंड प्रीव्यू इन क्रोम. लुक इफ आई जूम इट तो आपके पास क्या आ रहा है यहां पे, CSS अप्लाई हो रही है, फॉन्ट भी चेंज हो रहा है, कलर भी बदल रहा है, जो तीन चीजें मैंने लगाई थी. तो वी हैव आइडिया ऑफ यूजिंग CSS राइट. तो हम किसी भी तरीके की CSS जैसे आप HTML में लगाते हो यहाँ पे लगा सकते हैं. क्लियर है सब लोगों को? प्लीज़ इसको ट्राई कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसको समझ में आ जाए. फिर आगे की क्लास में या अगले पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो XSL को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.